तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग मूवी के बारे में। इंडिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कि सुपरस्टार रजनीकांत को ना जानता हो। अपने स्टाइलिश एक्शन से हर किसी को इम्प्रेस करने वाले सुपरस्टार रजनीकांत की उम्र 22 प्लस हो चुकी है, लेकिन अभी भी फैंस रजनीकांत की एक्शन से भरी फिल्में देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप इस सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्में देखना पसंद करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम रजनीकांत की आने वाली चार बड़ी फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं और सभी फिल्में हिंदी भाषा में भी रिलीज की जाएगी। बात करें रजनीकांत के सबसे पहले फिल्म की तो इस फिल्म का नाम है जेलर और यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे रजनीकांत, तमन्ना भाटिया, जैकी श्रॉफ एंड राम्या कृष्णन। साथ ही इसमें मेगा स्टार मोहनलाल एंड शिवराज कुमार भी दिखाई देंगे कैमियो रोल करते हुए। यानी इस मूवी में एक साथ चार चार बड़े सुपर स्टार्स के दर्शन होने वाले हैं। वहीं इस फिल्म का डायरेक्शन किया है नेल्सन दिलीप कुमार। नेल्सन दिलीप कुमार इससे पहले थलापति विजय की एक्शन पैक्ड मूवी बीस्ट का निर्देशन कर चुके हैं। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट तो निकाल लिया था लेकिन अच्छी स्टोरी ना होने की वजह से कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। बाकी अब देखना यह होगा कि जेलर की स्टोरी किस टाइप की होने वाली है। अगर बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की तो यह फिल्म इसी साल 10 अगस्त को रिलीज कर दी जाएगी पैन इंडिया पर, यानी तमिल के साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम भाषाओं में। रजनीकांत की दूसरी फिल्म होने वाली है कांतारा 2। यह साल 2022 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर मूवी कांतारा का सेकंड पार्ट होगा। कांतारा शुरू में पहले अपने साउथ भाषा में ही रिलीज हुआ था जिसे साउथ में काफी ज्यादा पसंद किया गया और यहां मिली सफलता के बाद इस फिल्म को हिंदी भाषा में भी डब करके रिलीज किया गया और यह फिल्म हिंदी भाषा में भी काफी अच्छा खासा बिजनेस किया और 16 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने कुल मिलाकर बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कारोबार किया था। और इतनी शानदार सफलता मिलने के बाद अब जल्दी मेकर्स इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आने वाले हैं जिसका पूरा स्क्रिप्ट भी कंप्लीट हो चुका है और यह फिल्म कांतारा का सीक्वल नहीं बल्कि प्रीक्वल होगा। यानी अब तक हमने जो भी देखा है अब उसके पहले की कहानी देखने को मिलेगी कांतारा 2 में। वो इस मूवी के लीड रोल में फिर से दिखाई देंगे ऋषभ शेट्टी, सप्तामी गौर एंड किशोर। साथ ही इसमें सुपरस्टार रजनीकांत भी नजर आएंगे कैमियो रोल करते हुए। बाकी इस मूवी का निर्देशन तो फिर से ऋषभ शेट्टी ही करने वाले हैं और प्रोड्यूस करेंगे विजय किरंगा दूर जो कि हुमले फिल्म्स के बैनर तले बनाई जाएगी। अगर बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की तो यह फिल्म 2024 में ही देखने को मिल सकती है। रजनीकांत की तीसरी फिल्म होने वाली है लाल सलाम। यह एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म होगी जिसका निर्देशन करने वाली है रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत। वो इस मूवी के लीड रोल में दिखाई देंगे विष्णु विशाल, प्रिया मोहन एंड राम्या कृष्णन। और इस मूवी में भी रजनीकांत कैमियो रोल करते हुए नजर आएंगे, वो भी एक डॉन के रोल में, जो कि इस मूवी से रजनीकांत का दमदार फर्स्ट लुक भी आउट हो चुका है। और यह फिल्म लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले बनाई जा रही है। इसी प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले रजनीकांत की फिल्म 2.0 एंड पोनियन सेल्वन जैसी फिल्में बन चुकी है। वहीं अगर बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की तो यह फिल्म इसी साल 2023 में रिलीज कर दी जाएगी, बट यह फिल्म हिंदी भाषा में रिलीज होगी या नहीं इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। एंड इसी के साथ रजनीकांत की चौथी फिल्म होने वाली डायरेक्टर बॉबी कोहली के साथ। बॉबी कोहली से पहले चिरंजीवी एंड रवि तेजा की सुपरहिट फिल्म वाटियर वेरिया का निर्देशन कर चुके हैं और अब जल्दी रजनीकांत के साथ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसे प्रोड्यूस करेंगे साउथ सिनेमा के सबसे बड़े प्रोड्यूसर में से एक दिल राजू, जो कि श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन के बैनर तले बनाई जाएगी। लेकिन अभी इस फिल्म के ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने के बाद ही इस फिल्म को लेकर और भी जानकारी सामने आएगी। तो फ्रेंड्स, ये रहे सबके फेवरेट सुपरस्टार रजनीकांत की आने वाली चार बड़ी फिल्में। वैसे आप रजनीकांत की किस फिल्म को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है नीचे कॉमेंट में जरूर से लिखिएगा और साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही मूवी से जुड़े अपडेट हमेशा मिलती रहेगी और जल्दी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नई मूवी के साथ।